इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। भजनलाल कैबिनेट की बैठक होने जा रही है आज। वक्त होगा दोपहर 2 बजे, कैबिनेट की बैठक होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। कुछ अहम फैसलों पर मुहर लग सकती है। निगाहें सबकी नए जिलों वाले मसले पर रहेगी, क्योंकि नए जिलों को लेकर भी कोई फैसला यहां पर लिया जा सकता है। राइजिंग राजस्थान के संदर्भ में भी चर्चा होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री अभी हाल ही में मुंबई से होकर लौटे हैं। एमओयूज पे सिग्नेचर हुए हैं। इनवाइट किया गया है तमाम इन्वेस्टर्स को कि आप आइए और निवेश करिए। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आज की कैबिनेट बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण है। कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। ललित पवार कमेटी की रिपोर्ट के बाद में जो जिले हैं उनको लेकर भी मंत्री का बयान सामने आया था। अब देखने वाली बात होगी किस प्रकार से क्या चीजें रहेंगी, भजनलाल कैबिनेट क्या डिसाइड करता है, क्या डिसीजन लेता है। बहुत सारी चीजें आज समझ में आ जाएंगी। दोपहर 2 बजे ये कैबिनेट की बैठक बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है। कैबिनेट की इस बैठक के बाद में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की एक और महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। बता दें आपको, वक्त होगा शाम 4 बजे। सीएमओ में प्रमुख विभागों के अधिकारियों को बुलाया मुख्यमंत्री ने। राज्यों में कैपिटल इन्वेस्टमेंट के तहत विशेष मदद योजना पर यह बैठक होने जा रही है। भारत सरकार की तरफ से चलाई जाती है स्पेशल असिस्टेंस की स्कीम। इसके लिए केंद्र सरकार को राज्य की तरफ से भेजे जाने हैं कई प्रस्ताव। विभागीय स्तर पर मंजूर हुए प्रस्तावों का परीक्षण और समीक्षा होगी। मुख्य सचिव सुधांशु पंत समेत कई ACS प्रमुख, शासन सचिव और सचिव मौजूद रहेंगे इस दौरान। जल संसाधन, चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, सामाजिक न्याय, अधिकारिता, राजस्व विभाग, PWD, उद्योग, UDF, PHED, ग्रामीण विकास, पर्यटन, परिवहन और स्टेट मोटर गैराज के विभागीय मुखिया भी बुलाए गए हैं। शाम 4 बजे CMO में ये बैठक होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बैक टू बैक आप 2 बैठकें करने जा रहे हैं। एक तो कैबिनेट की बैठक होगी उनकी अगुवाई में, उसके बाद में ये अलग से बैठक शाम 4 बजे मुख्यमंत्री ने बुलाई है CMO में। कैबिनेट के बाद में एक और महत्वपूर्ण बैठक, उससे संबंधित ये जानकारी हमारे ब्यूरो चीफ शशि मोहन शर्मा जी कनेक्ट हो गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। शशि, आज 2 बैठकें हैं, दोनों पर निगाहें रहेंगी। जाहिर तौर पर कैबिनेट की बैठक है जिसमें कई सारी ऐसी बातें हैं जिस पर बहुत सारी चीजें निकलकर उस बैठक से सामने आ सकती है। एक और बैठक शाम में बुलाई है 4 बजे मुख्यमंत्री ने, क्या जानकारी है? देखिए, दरअसल कैबिनेट की बैठक तो 2 बजे होगी, लेकिन उसके बाद में एक महत्वपूर्ण बैठक जो स्पेशल असिस्टेंस को लेकर के है, और वो स्पेशल असिस्टेंट राज्यों को दी जाती है केंद्र की तरफ से कैपिटल इन्वेस्टमेंट के मामले में। और ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट दरअसल प्रत्येक राज्य में केंद्र सरकार की तरफ से किया जाता है, और पूंजीगत निवेश वो निवेश होते हैं जो स्थायी तौर पर काम करते हैं या स्थायी तौर पर बनते हैं। ऐसे में राज्य सरकार के अलग अलग विभाग के स्तर पर पहले योजना तैयार हो चुकी है, मंजूरी मिल चुकी है, उन पर काम हुआ है, लेकिन उन पर कितना काम हुआ है इसकी प्रगति समीक्षा की जाएगी। और समीक्षा इसलिए जरूरी है क्योंकि केंद्र सरकार को जो प्रस्ताव राज्य से भेजे जाएंगे उन प्रस्तावों के आधार पर ही तय होगा कि केंद्र सरकार कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंफ्यूजन करती है। आप देखिए, जिस तरीके से पिछले दिनों पाली जोधपुर के लिए नए इन्वेस्टमेंट जोन को मंजूरी दी गई केंद्रीय कैबिनेट की तरफ से, इस तरीके के प्रस्ताव समय समय पर भेजे जाते हैं और उसी आधार पर उनको मंजूरी मिलती है, क्योंकि राज्य की जरूरत राज्य बेहतर तरीके से समझते हैं। और पिछले दिनों जी मीडिया ने एक कॉन्फ्रेंस भी की जिसमें ये स्थापित हुआ कि स्टेट मेक्स द नेशन, यानी राज्यों के योगदान से ही राष्ट्र का निर्माण होता है, और इसी तर्ज पर राज्य की बेहतरी के लिए क्या क्या किया जा सकता है, इन सब चीजों की समीक्षा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में होगी। चीफ सेक्रेटरी सुधांशु पंत भी मौजूद रहेंगे। इसमें जो मूलभूत जरूरतें हैं और विकास के लिहाज से प्रदेश में अर्थव्यवस्था, लोगों तक पैसा पहुंचे, उसके लिहाज से जो महत्वपूर्ण चीजें, उनमें जल संसाधन है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग है, PWD है, PHED है, साथ में पर्यटन है, और इन सभी तरीके के विभागों से जो पब्लिक डीलिंग के भी हैं, नॉन पब्लिक डीलिंग के भी हैं, उन सब विभागों के अधिकारियों को बुलाया गया है, जो बैठक होगी 4 बजे। शुक्रिया शशि आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो 2 महत्वपूर्ण बैठक आज, दोनों की पूरी जानकारी हमारे ब्यूरो चीफ शशि मोहन शर्मा आप तक पहुंचा रहे थे। एक बैठक कैबिनेट की 2 बजे जिसमें नजरें सबकी रहेंगी, लेकिन जो दूसरी बैठक है उस पर सभी की निगाहें हैं। उसमें तमाम अधिकारियों को बुलाया गया, तमाम विभागाध्यक्ष बुलाए गए हैं, मुख्य सचिव सुधांशु पंत भी वहां मौजूद रहेंगे, कई ACS प्रमुख, शासन सचिव और सचिव भी उस बैठक में मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री की अगुवाई में ये दोनों बैठकें आज प्रस्तावित हैं।